रायपुर के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव कोरोना वायरस को लेकर आपात बैठक में नहीं बुलाए जाने से नाराजगी के हैं। सिंहदेव ने कहा कि जिस विभाग की चर्चा के लिए बैठक हुई उसमें विभागीय मंत्री को बुलाया जाना चाहिए, सीएम सचिवालय के अधिकारियों को जानकारी देनी चाहिए थी कि ऐसा नहीं हुआ। सिंहदेव ने अधिकारियों के रवैये पर नाराजगी भी जताई है। बढ़ते प्रभाव और केंद्र की जारी एडवाइजरी के बीच कल देर शाम सीएम हाउस में आपात बैठक हुई, लेकिन इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री नहीं थे। सर, क्या बैठक की सूचना नहीं? जी, ये तो सही है कि सूचना नहीं मिल पाई थी, सूचना नहीं आई थी। सामान्य रूप से आनी चाहिए इतने गंभीर परिस्थिति में, तो कहीं ना कहीं सचिवालय से वहाँ चूक जरूर हुई। ये उनको फोन करके पता ही कर लेना था मैं हूँ या नहीं हूँ, इतना जरूर है। चंद कदमों की दूरी पर आपका बंगला है और जब कोरोना वायरस को लेकर पिछले दिनों आपने मंत्रालय में बैठक ली थी, कई अहम निर्देश आपने दिए थे, तो जरूरी नहीं था कि आप तक सूचना दी जानी चाहिए स्वास्थ्य मंत्री के बतौर? सामान्य रूप से खबर तो दी जानी चाहिए। वैसे मैं भी अपने तरफ से जब भी मौका लगता है तो सीएम को ब्रीफ करता रहता हूँ, सीएम साहब को, तो उस स्थिति में उतना वो अवगत रहते हैं। सर, फिर भी जिस तरीके से कोरोना वायरस को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है, क्या स्टेप राज्य सरकार की ओर से एहतियात के तौर पर उठाए जा रहे हैं? हालांकि कल तो स्कूल कॉलेजों को बंद करने का आदेश हुआ है। जी, एक ये मीटिंग के पहले ही हम लोगों ने निर्णय लिया था कि प्रत्येक दिन एक वॉर रूम स्थापित होगा सचिवालय में। हमारी प्रमुख सचिव जो हैं विभाग की सचिव, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बैठेगी और डेली समीक्षा करेगी। वॉर रूम वो रेगुलर चलता रहेगा और यदि आवश्यकता पड़ी तो हफ्ते में कम से कम एक दिन मंत्री के साथ और आवश्यकता अनुसार उससे ज्यादा भी ये बैठक समीक्षा की पूरे प्रदेश के लिए हम लोग करेंगे। साथ ही व्यवस्था के लिए एक सेक्शन 71(2) है जिसमें विशेष अधिकार विशेष परिस्थितियों में इस प्रकार की बीमारियों के फैलने के समय दिए जाते हैं, तो वो हम लोगों ने जारी किया है। कल उसकी भी फाइल मैंने हस्ताक्षरित कर दी थी जिसमें सीएचएमओ और सिविल सर्जन, इनको जिले लेवल पे अधिकार होगा कि इन क्षेत्रों में जहां ऐसी स्थिति बन रही है वहां पर वो एहतियात के लिए कड़ी कार्रवाई भी करनी पड़े, रोकने की कार्रवाई, सीमित करने की कार्रवाई, घर में रखने की कार्रवाई, मोहल्लों को सील करने की, जो भी, ताकि बात और आगे ना बढ़े। तो एहतियात के तौर पे प्रारंभिक अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है, कतई ऐसी स्थिति नहीं है, किंतु ये अधिकार हम लोगों ने हस्तांतरित किए हैं। और कोरोना वायरस को सरकार गंभीर नजर आ रही है। कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिल्ली दौरे से लौटने के बाद सीएम हाउस में तमाम आला अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक भी बुलाई थी, आपात बैठक जिसे कहा जा रहा था, और कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे। स्कूल कॉलेजों को बंद करने का फैसला तो था ही, साथ ही साथ शासकीय कार्यक्रम जिसमें भीड़ बड़ी तादाद में छुटती है ऐसे कार्यक्रमों को भी रद्द करने का फैसला कल बैठक में लिया गया था। हालांकि इस बैठक में एक जो बड़ी तस्वीर देखने को मिली थी वो तस्वीर ये थी कि स्वास्थ्य मंत्री इस बैठक में मौजूद नहीं थे। हालांकि उनकी नाराजगी भी सामने आ रही है, चंद कदमों की दूरी पर उनका बंगला है सीएम हाउस से, ऐसे में जो सीएम सचिवालय है। बिलासपुर बीजेपी के सांसद अरुण साव ने